नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ओडिशा में राहुल गांधी के नवीन पटनायक और पीएम मोदी पर निशाने की, न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव के बड़े ऐलान की, बात करेंगे नितिन गडकरी के बयान से मुश्किल में फंसी मोदी सरकार की, बिहार विधानसभा स्पीकर के बयान से उड़ी नीतीश कुमार की नींद की, जानेंगे चुनाव आयोग क्यों पहुंचे शरद पवार गुट के नेता, और बुलेटिन के आखिर में बात शिवराज सरकार की योजनाओं पर मोहन यादव सरकार के यूटर्न की तैयारी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मनरेगा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मनरेगा को कमजोर करके मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार। आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में जमानत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर सत्ता में आई थी लेकिन बीते 10 साल में जनता को धोखा दिया। जसप्रीत बुमराह ने बनाया नया रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में बने नंबर वन गेंदबाज, वनडे T20 और टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज बनने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब ओडिशा में है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पीएम मोदी से करीबी छिपी नहीं है। पीएम मोदी भी पटनायक को अपना मित्र कहते हैं और इसी मित्रता पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त ऐसे राज्य में है जहां सरकार में ना तो एनडीए है और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल कोई पार्टी। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और 24 साल से नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक केंद्र के साथ अपनी करीबी खुलकर जताते रहे हैं और राहुल गांधी ने इसी पर तीखा तंज भी कसा है। ओडिशा में नवीन पटनायक और पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे संसद में दिखता है कि पीएम मोदी के कहने पर बीजेडी के लोग हमें परेशान करते हैं। बीजेपी और बीजेडी की इस पार्टनरशिप से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने बताया कि कैसे मोदी सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में लाई गई योजना मनरेगा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मनरेगा मजदूरों ने मुझसे मुलाकात करते हुए ये कहा कि हम लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं लेकिन हमें समय से पैसा नहीं दिया जाता। ठेकेदार काम के लिए बाहर से मजदूर लाते हैं, डायरी में लिखा जाता है कि महिला को 720 रुपए दे दिए गए हैं जबकि उसे सिर्फ 200 रुपए ही मिले। तो वहीं आदिवासियों ने भी मोदी राज में अपने जल जंगल जमीन पर संकट बताया। कांग्रेस नेता ने सबकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, उन्होंने जनता को न्याय का हक दिलाने की बात भी कही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसे मिलने वाला समर्थन भी बढ़ रहा है, साथ ही यात्रा इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बना रही है। और अब इस यात्रा को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोशी साथ नजर आएगी। कांग्रेस और सपा के बीच अब बात बन गई है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहुल और अखिलेश अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेंगे और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने या नहीं करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि उन्हें इसका निमंत्रण ही नहीं मिला है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती है, समाजवादियों की अपनी अलग लड़ाई है। तब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अखिलेश के इस बयान पर जवाब दिया था और कहा था कि अभी यूपी में न्याय यात्रा को लेकर रूट प्लान बन रहा है, जल्द ही यूपी में इंडिया गठबंधन के सभी दलों को न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था जिसे अखिलेश ने स्वीकार कर लिया है। सपा की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस का न्योता स्वीकार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे लेकर जाएगी। इंडिया गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। आपको बता दें राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस की ये यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 से 20 जिलों से होकर गुजरेगी।
और इस दौरान अखिलेश राहुल के साथ दिखेंगे। यूपी में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ साथ न्याय यात्रा में पैदल चलेंगे। न्याय यात्रा ने पहले से ही मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान अलग से पीएम मोदी की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में नितिन गडकरी ने जो बयान दिया उससे मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को उनके ही मंत्री ने घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेताओं में विचारधारा की कमजोरी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गडकरी ने कहा कि कुछ नेता हैं जो अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार घट रही है। बिना किसी का नाम लिए गडकरी ने कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। नितिन गडकरी एक इवेंट में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी बहस और चर्चाओं में विचारों का अलग अलग होना दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडिया की कमी होना दिक्कत है। ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या घट रही है। विचारधारा में जो गिरावट आ रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट, हमें अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी समझा जाता है। ऐसे लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ अच्छा काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता है और खराब काम करने वालों को कभी सजा नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है आखिर में वही उन्हें सम्मान दिलाता है। पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो काम किया है वो संसद में उनकी कही गई बातों से ज्यादा जरूरी है। गडकरी ने इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भाषण देने की कला की तारीफ की। गडकरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वे ऑटो रिक्शा में चलते थे और उनकी हालत बेहद साधारण थी। उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गडकरी ने ये बातें तब कही जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनकी बातों से मोदी सरकार के घिरने का अंदेशा बढ़ रहा है। गडकरी के बयान से एक बार फिर पीएम मुश्किल में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाना नीतीश के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो आखिर अवध बिहारी से क्यों डरती दिख रही है नीतीश सरकार और क्या कहा है विधानसभा स्पीकर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। विधानसभा का सत्र बुलाने का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि नीतीश के पास बहुमत नहीं है। जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार 128 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश पर बहुमत है या नहीं, ये 12 फरवरी को विधानसभा में साफ हो जाएगा। और इस बहुमत परीक्षण में विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कई विधायक पाला बदल सकते हैं। विधानसभा में स्पीकर आमतौर पर सत्ताधारी दल का ही होता है, लेकिन बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक है और सत्ता में एनडीए है। चौधरी ने ये भी साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। चौधरी ने ये भी कहा है कि उन्हें 7 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली है। दरअसल स्पीकर पर अगर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देते हैं तो 14 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष उस पद पर बने रहेंगे। उन्हें सदन में मतदान कर ही हटाया जा सकता है। और चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि मतदान को लेकर जो नियम प्रक्रिया है और जो कानून है उसके अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे। अभी तक की कार्रवाई भी नियमानुसार की गई है। अवध बिहारी चौधरी के बयान से ये साफ है कि वो 20 फरवरी तक विधानसभा अध्यक्ष बने रहेंगे और इससे पहले 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। साफ है कि आरजेडी ने नीतीश के साथ खेला करने की तैयारी कर ली है। नीतीश की सरकार पर संकट दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एनसीपी बनाने वाले शरद पवार भी इस समय संकट में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी और निशान शरद के भतीजे अजीत पवार को सौंप दिया है, लेकिन शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। तो क्या है शरद पवार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और निशान अजीत पवार के हवाले कर दिया है। इसे लेकर शरद पवार गुट में नाराजगी दिखाई दे रही है। एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने 1999 में की थी और पार्टी की स्थापना के बाद से ही पवार इसके अध्यक्ष बने हुए थे,
लेकिन अजित पवार ने पवार से एनसीपी छीन ली है। कम से कम चुनाव आयोग के फैसले से तो यही तय है कि चुनावों में अजित पवार एनसीपी का नाम और निशान का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बीच शरद गुट चुनाव आयोग भी पहुंच गए। दरअसल चुनाव आयोग ने शरद पवार से कहा था कि वो आज चुनाव आयोग में पार्टी के नए नाम के लिए 3 नाम पेश करें और पवार गुट की तरफ से 3 नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं, जिसमें पहला नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, दूसरा नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और तीसरा नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, जिस पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला लेते हुए शरद की पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार चुना है। लेकिन वो आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है और आगे की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अजित पवार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कैविएट दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग के फैसले को अजित पवार ने लोकतंत्र में बहुमत की जीत बताई है, तो वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इसकी आलोचना की है। मामले में बयान देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, केंद्र सरकार ने जो फैसला चुनाव आयोग को लिखकर दिया था वही फैसला एनसीपी को लेकर आया है। शरद पवार लंबी लड़ाई की तैयारी में है तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई राज्य के अधिकारों को लेकर है। आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अपनी पूरी कैबिनेट और राज्य कांग्रेस के विधायकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। तो क्यों दिल्ली में कर रही है प्रदर्शन कर्नाटक सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें सीएम के साथ उनकी पूरी कैबिनेट और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। कर्नाटक का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद कर रही है। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हम 100 रुपए केंद्र सरकार को भेज रहे हैं लेकिन 12-13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकार ने सुविधाओं के प्रावधान में भी कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने हैशटैग मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन में लोगों से जुड़ने की अपील की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि टैक्स कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इस साल कर्नाटक ने टैक्स कलेक्शन में 4.30 लाख करोड़ का योगदान दिया, जबकि राज्य के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हम अपना अधिकार चाहते हैं, हमें सिर्फ 13% मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि हमें क्या मिलना चाहिए, दूसरे राज्यों को कितना हिस्सा मिलता है मुझे इससे भी मतलब नहीं है, केंद्र सरकार गुजरात को जो हिस्सा देती है वही हिस्सा हमें भी चाहिए। डीके शिवकुमार के अनुसार भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों को मदद पहुंचाई जा सके इसके लिए अभी तक केंद्र सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। वहीं दक्षिण भारत के एक और राज्य केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम विजयन भी हाल ही में पेश किए गए अंतरिम बजट में केरल के साथ सौतेले वर्ताव करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। बुधवार को जहां कर्नाटक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो उसके अगले दिन यानी गुरुवार को केरल की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश बीजेपी में मची खींचतान की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से तो कभी विपक्ष के निशाने पर रहती है मोहन सरकार। हाल में ही हुए विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद मोहन सरकार सवालों के कटघरे में आ गई है। तो क्या कहा है कमलनाथ ने, क्यों सवालों में घिरी है मोहन सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब मोहन यादव सरकार चुनावों में जनता से किए गए वादे पूरा करती दिखाई नहीं दे रही। मोदी की गारंटी से एमपी सरकार पीछे हटती दिख रही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में उन योजनाओं का नाम ही नहीं था जिनके सहारे बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोहन सरकार के कार्यकाल में बनने वाली योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मोहन सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लागू की गई जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से 3 बड़े वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहन योजना में महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे,
लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहन योजना में 3,000 रुपए देने की कोई बात ही नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी घोषणा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और तीसरी घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल करने की थी। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई। साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ और खासकर महिलाओं और किसान भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने का इरादा रखती है और चुनाव में किए गए वादों से पलट चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने मोहन सरकार के इस काम को धोखा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी। कमलनाथ के इस बयान से प्रदेश में भाजपा सरकार एक बार फिर मुश्किल में है। अब इस पर क्या जवाब देती है भाजपा सरकार, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।